स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से हम इसको पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा हो, एस ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले डेफिनेशंस, एलिमेंट्स इन विच, लिखते जाए मेरे साथ, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक। एलिमेंट हम अगर यहां बात करें तो एस ब्लॉक हमारे को पीरियोडिक टेबल में कुछ इस जगह देखने को मिलेंगे। ये एस ब्लॉक होता है, यहां डी ब्लॉक होते हैं, यहां पी ब्लॉक होता है। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ए शेल, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप नंबर से भी जानते हैं, या सेकंड ए, जिसको हम सेकंड के नाम से भी जानते हैं, इसमें कौन आता है हमारे पास? फर्स्ट ए के अंदर देखा जाए तो हाइड्रोजन, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, रूबीडियम से फरियाद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इज दैट क्लियर? ये सारे हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। इज दैट क्लियर? और सेकंड, जिसको हम सेकंड ए भी बोल सकते हैं, इसमें हमारे पास आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ध्यान देने वाली बात यह कि हर एक ग्रुप में लास्ट एलिमेंट, ये जो दो एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव है। समझ में आ रहा है? बाकी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी इनके लिए नहीं करते, फ्रांशियम और रेडियम के लिए। इज दैट क्लियर? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस वो होता है हमारे पास NS1 या फिर 2। हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, यानी एस ब्लॉक को दो पार्ट में कर रहे हैं, एस ब्लॉक को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक एल्कली मेटल और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल, एल्कली मेटल में आपके पास फर्स्ट ए मेटल आ जाएंगे और यहां सेकंड ए मेटल आ जाएंगे। फर्स्ट ए का मतलब आपके पास मेटल का मतलब कौन सा होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किन एलिमेंट के बारे में। हम इन एलिमेंट के बारे में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे इनकी साइज पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस के अलावा हम इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम डेंसिटी भी पढ़ते हैं, हम ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। इनका फ्लेम टेस्ट पढ़ेंगे, ये फ्लेम के साथ यानी कि किस तरह के टेस्ट देते हैं। ये तो रहा मेटल की प्रॉपर्टी। फिर हम आएंगे इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में, मेटल ऑक्साइड पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे, फॉस्फेट पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन सा क्या रहेगा वो हमारे पास इस पूरे चैप्टर में वर्क करेगा। तो हम जो फ्लो हमारा रहेगा वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सबसे पहले, न कि हम मेटल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? यहां पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। तो आप पॉइंट यही है हमारे पास, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी कि आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। चलिए ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, लेकिन अगला पॉइंट हमारे पास आता है मास, और मास भी मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर पे डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास क्या होता है, डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी है क्या, एक तरह से मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नीचे जाने पे मास भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, मास भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी ऐसा लग रहा है अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मास डोमिनेट कर जाए, हो सकता है वॉल्यूम डोमिनेट कर जाए, ठीक है ना, तो मास और डोमिनेट कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर डेंसिटी का आपको याद ही रखना पड़ेगा, तो जनरली आपको लिखना पड़ेगा, जनरली मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इंक्रीजेस हो रही है, इसका मतलब मेरे दिमाग में यह है कि नीचे जाने पे मास ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, ये है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी आ सकता है, वो एक्सेप्शन को याद करने का एक ही तरीका है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो उसको याद करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ डेंसिटी याद करना है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी जो मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के लिए, और वो ट्रिक है आपके लिए ये वर्ड, ये एक पोएम की तरह याद कर लो, हमेशा की तरह लिखना रबका मे बेटा से सरबा। कोई बात नहीं, रशियन लैंग्वेज है चलेगी, याद करना आसान रहेगा। लिथियम, ली से लिथियम, सबसे कम डेंसिटी इतनी, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रूबीडियम, रब का मतलब रूबीडियम, का मतलब कैल्शियम, मे का मतलब मैग्नीशियम, बेटा बेरेलियम, से सीजियम, सर स्ट्रांशियम बेरियम। ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर है, इसमें से कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एग्जाम्पल लिथियम पोटेशियम सोडियम, जबकि सोडियम को यहां होना चाहिए, तो कौन एक्सेप्शन है, सोडियम एक्सेप्शन है या पोटेशियम है, पोटेशियम, तो ऐसा क्यों हो रहा है डेंसिटी ऑर्डर, बिकॉज आंसर लिख लीजिए सॉल्यूशन जो भी है, बिकॉज इन पोटेशियम एम्प्टी डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट, एम्प्टी डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट, सो वॉल्यूम इज मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी इज क्या होगी, लेस देन एक्सपेक्टेड, एंड डेंसिटी लेस देन एक्सपेक्टेड। तो देखिए सोडियम के अंदर कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, पहली बार पोटेशियम के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल आया, 3d यहीं से स्टार्ट होता है, 3d यहां से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कहीं ना कहीं यहां पर पहली बार आपके पास वॉल्यूम अचानक बहुत तेजी से बढ़ेगा, अचानक वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे ज्यादा डेंसिटी सोडियम की होती है, फिर पोटेशियम की, और सबसे कम किसकी होती है, लिथियम की। तो ये आपके पास क्लियर है, अब इन सब पॉइंट्स को लिखें जल्दी से। हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ये एक और पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ नंबर पे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। आप अच्छे से जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कि
कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी नीचे आने पर। तो जो मेरे पास सही ट्रेंड है वो है सबसे, अगर कहा जाए तो सीजियम की सबसे कम, क्योंकि सीजियम सबसे नीचे। अब आप कहेंगे फ्रांशियम, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज। सबसे कम किसकी होगी, सीजियम। फिर उसके बाद कौन आएगा, रूबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या आएगा, सोडियम, और फिर उसके बाद कौन आएगा इस जगह, लिथियम। इसी तरह से हम यहां पर बात करेंगे, सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यहां पर भी मैं रेडियम नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव है। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अच्छी बात है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एस ब्लॉक की यानी फर्स्ट ए एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ए से कम होती है। ये इसके अंदर थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए बी सी लिख लीजिए। ये तीनों पॉइंट है, फर्स्ट ए की हमेशा सेकेंड ए से कम होगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां हमारे पास ये तीनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। नीचे ऊपर से नीचे आने पे क्यों कम हो रही है, बिकॉज साइज इंक्रीज हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो समझ में आ गया, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, अगर इनके आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ध्यान से सुनना, तो जब इन मेटल को गर्म किया जाएगा तो गर्म करते ही ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आकर क्या करेंगे, क्या करेंगे, कलर एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, समझिएगा। तो बताइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम में सबसे हाई एनर्जी का फोटोन कौन एब्जॉर्ब करेगा, लिथियम। मान लो इसने ब्लू को एब्जॉर्ब करा तो ये किस तरह का दिखेगा, रेड, रेड दिखेगा। जो एब्जॉर्ब करता है ना उसका अपोजिट कलर दिखाई देता है, समझ में आ रहा है। अब ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो कैसा दिखता है, रेड, और रेड एब्जॉर्ब करता है तो किस तरह का दिखेगा, ब्लू या वायलेट। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, ये कैसा दिखाई देगा, ये ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखाई देगा, रेड। बेरिलियम बहुत हाई एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, अल्ट्रा वायलेट, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो क्या ये कलर देंगे, नहीं देंगे। कि कोई भी सब्सटेंस अगर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का एब्जॉर्ब करे तब भी कलर नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा लो एनर्जी का करे तब भी नहीं आएगा। तो कब कलर बनता है, कोई भी कंपाउंड तभी कलर शो करता है जब वो विजिबल लाइट का एब्जॉर्ब करता है। सात कलर में से वो जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा बाकी के छह कलर वाली लाइट अपने आप जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू की तरफ जाता है, ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो रेड की तरफ जाता है। कुछ कंपाउंड या कुछ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा लाइटें भी एब्जॉर्ब करके एक नया तरह का कलर बना लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि कलर यानी इसको हम बोलेंगे गर्म करने पे कौन सा कलर, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फ्लैम टेस्ट। फ्लैम टेस्ट, ये फ्लैम टेस्ट का मतलब है क्या, हम मेटल को गर्म करेंगे, कैसे करेंगे, बर्नर के ऊपर ले जाएंगे, पकड़ेंगे किससे, मेटल से। कौन सा मेटल यूज करेंगे, प्लेटिनम। तो बिल्कुल ये फ्लैम टेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ये आपके पास बर्नर है, इसको ऐसे समझे, ये जो बर्नर है इस पे आपकी फ्लेम बनी हुई है, इस फ्लेम पे प्लेटिनम वायर है, इस प्लेटिनम वायर पे होल्डर के सहायता से हम मेटल या मेटल कंपाउंड रखेंगे, मेटल ऑब्लिक मेटल कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो मेटल और मेटल कंपाउंड है ये हमारे पास हो जाएगा फ्लैम टेस्ट। तो कौन सा कलर, कौन सा मेटल, कौन सी फ्लेम देता है, ये हमें यहां लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप लिख लीजिए लिथियम,
लीथियम कौन सा कलर देगा आपके पास? लीथियम देगा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। बताओ यार, देखो इतने सारे कलर होते हैं रेड में भी, कि इसका पता या तो साइंटिस्ट लोग लगा सकते हैं या फिर गर्ल्स लगा सकती है, लेडीज लगा सकती है, क्योंकि वही इतने ज्यादा शेड जानती है। हम तो रेड का मतलब सिर्फ रेड ही जानते हैं, ठीक है ना? तो क्रिम्सन रेड। सोडियम गोल्डन येलो, हमारे लिए तो येलो एक ही था, लेकिन देखो गोल्डन येलो को बहुत कौन बता सकता है, लेडीज ही बता सकती है, गर्ल्स वही बता पाती है कि गोल्ड का कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो। फिर कौन आ रहा है आगे भी, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, पोटेशियम वायलेट, थर्ड ए बी सी, नंबरिंग कर दीजिए ए बी सी डी। पोटेशियम के बाद हम कौन सा लेंगे, रूबीडियम और सीजियम। रूबीडियम ये भी वायलेट ही देता है, लेकिन ये इस तरह से लिख लीजिए इसका कलर आप, रेड वायलेट, मतलब वायलेट तो है, रेड का थोड़ा सा मिक्सचर आ रहा है। और ई फिर आ रहा है सीजियम ब्लू, और हमारे पास क्या आ रहा है ई एफ, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट शो फ्लैम टेस्ट ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट में एब्जॉर्ब करेगा, और अल्ट्रावायलेट में एब्जॉर्ब करके कोई कलर नहीं क्रिएट होता। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि कलर तभी क्रिएट होता है जब विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो, सात कलर में से जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उस बाकी की बची हुई लाइट जो कलर बनाती है वो कलर बनेगा, लेकिन इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करेंगे तो कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास हो गया कलर टेस्ट इन सब का, सही है? तो यहाँ हमारे पास हो गया एल्कली मैटर्स। हाँ, तो आपके पास ई एफ जी कौन सा बच रहा है आपके पास, जल्दी से बताओ। कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा शो कर रहा है, ब्रिकरेट, और स्ट्रॉन्शियम रेड ही लिख लीजिए, क्रिम्सन रेड, और बेरियम एप्पल ग्रीन, ठीक है? तो ये तो हमारे पास कलर हो गए, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर लिया, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो आपको बताना है, करें अपन डिस्कस, हटा दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमने अभी तक कराया उसमें क्या क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्कली मेटल्स, क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटम्स, एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्कली मेटल्स, ए 2, 10, 18, बी 7, 17, 31, सी 15, 20, 24, और डी 3, 11, 19। बता सकते हैं, 3, 11, 9। देखिए हमसे एल्कली मेटल पूछ रहा है, एल्कली, एल्कली हमारे पास मेटल्स में कहां से स्टार्ट होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम
रूबीडियम और सीजियम, ठीक है, यहां क्या होगा 3। फिर आपको मालूम है किस तरह से डिफरेंस होता है, 8 8 18 18 32, तो 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 + 8 कितना हुआ 19, 19 अब कितना ऐड करना है 18, तो कितना हो जाएगा 18 ऐड करते ही 37, और 37 फिर कितना हो जाएगा 37 55 80। अब अगर रूबीडियम भी आप ले रहे हो तो आप 32 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 87, तो क्या 3 11 19, क्या डी आंसर सही है? सही है बिल्कुल। एक और एग्जांपल आप सही बताएंगे मैं आपको टॉफी दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एलिमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस शो एज ब्लॉक एलिमेंट, एज ब्लॉक एलिमेंट, ए ऑप्शंस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, सी ऑप्शंस 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p4। इसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, थ्री एस टू, और डी दिया जा रहा है नन ऑफ दिस। तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो ए के साथ कोई है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का, और कॉपर डी ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है डी में, समझ में आ रहा है? ये भी गलत है, ये क्रोमियम का है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी गलत है, क्योंकि देख नहीं ये सही है, यहां वन लिखा जाता, अब सही है, तो यहां वन होता तो बिना आप पहले वाला भरे हुए यहां नहीं आ सकते थे, आ सकते थे नहीं, तो ये भी गलत होता, क्योंकि ये पता है किसका होता, नियोन का। अब आपका आंसर क्या होगा डी, कोई डाउट नहीं है कर लीजिए। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कैसे पता लगा रहे हो कि एस ब्लॉक है या नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राउंड स्टेट भी हो, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया हो, ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल, 1 2 3, थर्ड एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। द एल्कली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, या ज्यादा अच्छा होगा लगभग 300 केल्विन के अप्रोक्सीमेट जो रूम टेम्परेचर मान रहे हैं हम, उस पर वो लिक्विड हो। तो आपको मैं बता दूं, ए ऑप्शन लिथियम, बी ऑप्शन सोडियम, सी ऑप्शंस रूबीडियम, और डी ऑप्शन सीजियम। कौन है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? सीजियम। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास है। नेक्स्ट, हमने कुछ प्रॉपर्टीज किया था, हमने लास्ट प्रॉपर्टी कौन से नंबर तक की कर ली थी प्रॉपर्टी, जल्दी बता। 5 6 नंबर की प्रॉपर्टी है हार्डनेस, हार्डनेस ऑर्डर, हार्डनेस ऑर्डर मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर जैसे ही आप नीचे जाएंगे हार्डनेस क्या होती जाएगी, कम।
लिथियम एकमात्र ऐसा एल्कली मेटल है जिसकी प्लेट बन सकती है, बाकी कोई भी और एल्कली मेटल प्लेट नहीं बनाता। जैसे लिथियम की प्लेट बन सकती है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम को तो हाथ से तोड़ दिया जाता है क्योंकि पोटेशियम जस्ट लाइक एज ए जो अपन पापड़ खाते हैं ना वैसा, सोडियम रबड़ की तरह है। रबड़ को हाथ से तोड़ पाते हो क्या आप? थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? नाइफ की। तो वही चीज हमारे लिए हार्डनेस ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा लिथियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर रूबिडियम, और सीजियम को तो काटने की जरूरत ही नहीं है, वो तो लिक्विड है। तो हार्ड सबसे ज्यादा लिथियम है। लिथियम की प्लेट बन सकती है, बाकी कोई प्लेट नहीं बनाता। कैन बी फॉर्म प्लेट। यानी यही एकमात्र ऐसा है जिसकी प्लेट बनेगी, बाकी सब काफी सॉफ्ट होते हैं। सही है। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली है, और प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है? 6 नंबर की हार्डनेस। तो क्या लिखेंगे? मूविंग डाउन द ग्रुप हार्डनेस डिक्रीजेस। मूविंग डाउन द ग्रुप हार्डनेस डिक्रीजेस। अब बात करते हैं हार्डनेस, एक और प्रॉपर्टी आपका इंतजार कर रही है, और वो है मोबिलिटी। हाँ बेटा, वहां पर भी डाउन द ग्रुप जाने पर हार्डनेस डिक्रीज होगी, ठीक है, लेकिन मेन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, वहां कोई लिक्विड नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया हार्डनेस। एक और पॉइंट हमारे पास हो रहा है, और वो है मोबिलिटी। देखिए ध्यान से, मोबिलिटी के लिए, मोबिलिटी का मतलब होता है आयन कितना आसानी से मूव करे, उसके लिए हमें साइज पढ़नी पड़ेगी। तो वापस एक बार और लेंगे हम, लेकिन पहले लिया था हमने साइज ऑफ एटॉमिक साइज, अब हम लेंगे साइज ऑफ आयन, मेटल आयन, मेटल आयन इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। देखिए ध्यान से, सबसे छोटा कौन था? लिथियम प्लस। लेकिन जब आप पानी में डालते हैं, H2O में ऐड करते हैं, तो लिथियम एक पावरफुल मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, यानी इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही पानी में डालेंगे आप, तो ये सबसे बड़ा आयन बनाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इतना पावरफुल होता है, जैसे कोई मैग्नेट पावरफुल होती है ना, तो उसके ऊपर जब सेफ्टी फिन या आल्पिन हम अटैच करते हैं, तो वो भी मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, यस और नो? तो ये भी इतना पावरफुल होता है कि इसके बाद भी अटैच होने लग जाते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा साइज का बनाता है, समझ में आ रहा है? जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें सोडियम की, जो देखा जाए तो इससे बड़ा होता है साइज वाइज, लेकिन गैसेस फॉर्म में, और गैसीय फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक्वस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं मेनली। तो जब आप इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एक्वस में, तो इतना पावरफुल नहीं होता ये कम पावरफुल होता है सोडियम लिथियम के कंपेयर में। तो ये सोडियम हो गया, और ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, यानी इसके ऊपर सिर्फ कुछ ही H2O के मॉलिक्यूल अटैच हो पाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयन, तो पता है लिथियम प्लस आयन जो कि सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा दिखेगा। लिथियम के बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रूबिडियम, और सबसे छोटा कौन होगा? सीजियम। एक्वास लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड आयन की रेडियस हो गई।
मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई। अगर एटॉमिक रेडियाई पूछेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा? सीजियम। लेकिन हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा? लिथियम। तो पानी में सबसे बड़ा कौन है? लिथियम। पानी में सबसे छोटा कौन है? सीजियम। एयर में सबसे, या नॉर्मल वे में सबसे बड़ा कौन है? सीजियम। और सबसे छोटा कौन है? लिथियम। एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी किसकी है? सीजियम की। आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी बड़ी है? लिथियम की। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने। नाउ ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड आयन पढ़ लिया आपने, अब हमारे पास पढ़ना है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयन इन एक्वास मीडियम। यहां हमारे पास कहीं ना कहीं मोबिलिटी का मतलब एक ही है, मूवमेंट ऑफ आयन इन एक्वास मीडियम। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है हमारे पास? 7 नंबर की ये थी हमारे पास, हमने लिख भी रखा है, और 8 नंबर की हमारे पास ये होगी। तो एक तरह से मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज। मोटा आदमी धीरे दौड़ता है, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो आप ही मेरे को बताएं, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन अगर देखा जाए तो लिथियम प्लस की सबसे कम मोबिलिटी होगी और सीजियम प्लस की सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगी वाटर में, इसलिए मैं बार बार एक्वस लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? और इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी अपने आप में क्या है? मोबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल मोबिलिटी, मोबिलिटी और मोबिलिटी प्रोपोर्शनल एक तरह से वही साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ हाइड्रेटेड साइड। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी आप ही बताइए? कंडक्टिविटी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, LiCl और NaCl, दोनों में ClCl कॉमन है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? NaCl की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कहा, NaCl की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो मोबिलिटी और एक और प्रोपोर्शनल होती है चार्ज। लेकिन क्योंकि इन सब पे चार्ज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, तो चार्ज पे भी डिपेंड करती है। अगर आप बात करो LiCl और BeCl2, किसकी ज्यादा होगी? BeCl2, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर क्या है? +1। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी मोबिलिटी, सॉरी उसकी कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी, जबकि उसकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। चार्ज ज्यादा होने से उसकी हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? अगर इसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा तो इसकी साइज बढ़ेगी, तो मोबिलिटी तो कम होगी लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी चार्ज पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट हमने कुल मिला के ये 9 पॉइंट्स पढ़े जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पे बात करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। यहां हम बात करेंगे पूरा ऑफ एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो किसी केमिकल के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे कम जो होगा वो लिथियम का होगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। सीजियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। एक चीज हम पॉइंट लिखना भूल गए थे, वहां पर भी लिख लीजिए, रूबी पोटेशियम रूबिडियम सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक मेटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो पोटेशियम रूबिडियम सीजियम को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल या मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, बिकॉज दे आर यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फिलहाल यहां वापस आते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, ये जितने भी मेटल हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम प्लस वाटर
रिएक्शन करेगा, एन ए ओ एच बनाएगा लास्ट में वाटर के अंदर एक्सेस में, और एच टू गैस लिबरेट कर देगा। ये हमारे पास बैलेंस करना चाहते हैं तो ये 1/2, ये हमारे पास रहा मेटल के रिएक्टिविटी विद मेटल्स। चलिए ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच टू के साथ ये रिएक्शन करेगा और मेटल हाइड्राइड बनाएगा, सही है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो लिखिए एल्कली मेटल रिएक्ट विद एच टू एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म आयनिक मेटल हाइड्राइड्स, आयनिक मेटल हाइड्राइड यानी इनके हाइड्राइड आयनिक करेक्टर होते हैं, मेटल हाइड्राइड। तो दोस्तों यहां पर जो भी मेटल है, जैसे मेरे पास सोडियम है Na प्लस हाफ एच टू, तो NaH बनेगा और यहां पर प्लस और ये माइनस, हाइड्रोजन पे यहां पर माइनस चार्ज होगा हाइड्राइड, इसीलिए लिखते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं H माइनस को जैसे आप वाटर में डालोगे H2O, मेटल हाइड्राइड कोई भी हो, क्या बन जाएगा OH माइनस प्लस H2 गैस निकलेगी, यानी H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनता है, तो OH के कंपेयर में H माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली, OH इज वीक बेस क्योंकि H माइनस OH माइनस बनाता है। तो मेटल हाइड्राइड को जब भी पानी में डालोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और फाइनली आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रहा मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड अपने आप में आयनिक करेक्टर रखते हैं। तो ये हमारे रहा मेटल हाइड्राइड का, यानी अगर आपसे पूछा जाए विच इज स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑर्डर, NaH ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या NaOH, तो आपका आंसर होगा NaH स्ट्रॉन्ग बेस देन NaOH। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए जितने भी मेटल है वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड M2O प्लस जो भी है M2O बना देते हैं। तो सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये मेटल कोई से भी हो सकते हैं, लिथियम सोडियम, लिथियम से लेके सीजियम तक सब, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा रही प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 तो ये मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं, मेटल परऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन कौन कौन से मेटल, लिथियम नहीं, सोडियम से लेके सीजियम तक, और मेटल और एक्सेस में हुई तो फिर आपके पास मेटल सुपरऑक्साइड बन जाएगा। और कौन से मेटल, पोटेशियम से लेके सीजियम तक। तो कुल मिला के जैसे जैसे ऑक्सीजन एक्सेस में होती जाएगी वैसे वैसे ये सुपर ऑक्साइड में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, ये हो जाएगा परऑक्साइड, और ये हो जाएगा ऑक्साइड। तो बताइए कौन से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, सभी, बताइए कौन से परऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम से लेके सीजियम तक, बताइए कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम से लेके सीजियम तक। तो अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और आपको दिया जा रहा है सोडियम और O2 एक्सेस लिया जा रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, Na2O2, और पोटेशियम है और ऑक्सीजन से, तो KO2 तक बन जाएगा आपके पास।
तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही है, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखें इसको। तो अगला हम केमिकल प्रॉपर्टीज और ज्यादा ले रहे हैं, हमने कहां तक करा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आगे लिखते जाएं जल्दी जल्दी, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, यानी हमारे पास आ गया फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। सिर्फ ओनली लिथियम ही हमारे लिए रिएक्शन करेगा, और लिथियम, ओनली लिथियम प्लस एन टू, डायरेक्ट जो रिएक्ट कर सकता है वो लिथियम है, और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, एल आई थ्री एन, इसको बोलेंगे लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। सिर्फ एकमात्र लिथियम ही ऐसा एलिमेंट है जो लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, बाकी और कोई नहीं है। रिएक्शन विद एन टू। अब आगे नेक्स्ट, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया NH3, लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर कोई भी मेटल को डालोगे, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल और अमोनिया आपने रखा, तो पता है क्या होगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, अपीयर। ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, इनडायरेक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन को, कैसे होगा, और ये बहुत ज्यादा एक्सेस में रखनी पड़ेगी। होगा क्या कि एल्कली मेटल जो भी होते हैं, ध्यान से समझना, ये आपके पास एल्कली मेटल है, कोई भी ले लिया सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, सोडियम प्लस अमोनिया के साथ हाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी कि सोडियम और NH3 हाइड्रेटेड नहीं बोलेंगे, अमोनिकेटेड बोल देंगे। मान लीजिए कुछ कितने अमोनिया आएंगे नहीं मालूम, एक्स अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के साथ अटैच हो जाएगा NH3। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने अमोनिया जुड़ेंगे नहीं मालूम, तो मान लीजिए NH3 वाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे अमोनिकल इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, अमोनिकल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है एक तरह से। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ब्लू कलर होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज ब्लू कलर, हाईली कंडक्टर, थर्ड पैरामैग्नेटिक, ये हमारे पास इसकी मेन कंडीशंस हो गई कि ये पैरामैग्नेटिक भी है, लिख लीजिए। बट एट हाई कंसंट्रेशंस, की पॉइंट, बट एट हाई कंसंट्रेशंस, हाई कंसंट्रेशंस ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन बहुत ज्यादा मिला दोगे तो आपका जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर कन्वर्ट इन ब्रोंज कलर, ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ब्रोंज कलर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सॉल्यूशन बिकम एंड से पहले एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, कलर इन ब्रोंज कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड, मेटल एमाइड, ये एमाइड क्या होता है, एम
मेटल हो गया, और एमाइड होता है NH2, मेटल एमाइड हो गया NH2। अब उसके बाद लिख लीजिए एंड सॉल्यूशन बिकम, पहले क्या था पैरामैग्नेटिक, अब क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक कलर के रूप में चेंजेस हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। हमने कौन से नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, फिफ्थ नंबर की, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। अब बात आती है रिडक्शन पावर। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शंस, रिडक्शन पावर। रिडक्शन पावर का सीधा सीधा मतलब होता है सामने वाले का रिडक्शंस करना, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना। तो रिडक्शन पावर कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोपोर्शनल टू इजी वे टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस। देखो आप मान लीजिए कोई भी मेटल है, लिथियम है, ये सॉलिड है, आपने लिथियम गैस बनाया, फिर लिथियम प्लस आयन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, लिथियम क्या हो जाएगा प्लस आयन बनेगा, गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ लिथियम एक्वस भी बन जाएगा क्योंकि प्लस आयन पानी में ही रहेगा H2 के साथ। तो तीन तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है, पहली एंथैल्पी सब्लिमेशन, एनर्जी को एंथैल्पी बोलेंगे, सब्लिमेशन, दूसरा डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा है डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी पानी के कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे एनर्जी लिबरेट होगी, हाइड्रेशन। आप बताइए सब्लिमेशन रिक्वायर्ड एनर्जी या लिबरेट है, यानी एब्जॉर्ब है या रिलीज है, एब्जॉर्ब है, ये एब्जॉर्ब होती है। तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी एब्जॉर्ब है, और ये कौन सी एनर्जी है, रिलीज। तो कहीं ना कहीं रिडक्शन पावर है, रिडक्शन पावर वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 अपॉन डेल्टा एच सब्लिमेशंस प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन तीनों के साथ ये रिलेशन है। और डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये डोमिनेट करता है हाइड्रेशन, क्योंकि ये अपने आप में लिबरेटेड एनर्जी है, जिस एलिमेंट के लिए हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बाकी ये डोमिनेट नहीं कर पाते। तो आपका यहां पर एग्जांपल क्या की पॉइंट बन रहा है, की पॉइंट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं किसका आंसर दूंगा, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी मेन डोमिनेटिंग नहीं होता, सब ये होता क्या कहते हैं लैटिस एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, लिथियम, वो सीजियम की। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाता, सीजियम हो जाता, लेकिन हुआ तो नहीं, कौन हुआ, लिथियम। तो इसका मतलब कौन डोमिनेट है, हाइड्रेशन, समझ में आ रहा है। और अगर सब्लिमेशन होता तो सबसे कम सब्लिमेशन एनर्जी किसकी है, सीजियम की, लिक्विड है, सब्लिमेशन आसानी से गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी आंसर क्या जाता, सीजियम, लेकिन ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम
नंबर वन रिड्यूसिंग एजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, सही है, लिखें इसको। तो देखिए हमें पूछा जा रहा है लिथियम और अदर एल्कली मेटल्स में क्या डिफरेंस है। लिथियम अपने ग्रुप में औरों से अलग व्यवहार भी दिखाता है, क्यों भाई? क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है औरों के कंपेयर में, तो जब इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर देता है। इसमें एबनॉर्मल का मतलब हो गया ऐसा बिहेवियर जो कोई और नहीं दे रहा है। तो ऐसे एक बिहेवियर क्या है, ये लाइट है बट हार्ड मेटल है, जबकि दूसरे क्या होते हैं, हेवी होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, उनके लिक्विड भी इनके क्रिस्टल से हेवी होते हैं, इस तरह से समझिए। सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। नेक्स्ट, जनरेट मेटल ऑक्साइड ऑन बर्न्स इन एयर, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है लिथियम, यानी इसको ऐसे समझिए ये Li2O बनाता है, जबकि अगर आप सोडियम को गर्म करेंगे एयर में तो Na2O2 बनेगा, पोटेशियम को गर्म करेंगे KO2 बनेगा, रूबीडियम को बर्न करेंगे एयर में तो RbO2 बनेगा। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर, हीटिंग करने पर ये लिथियम ऑक्साइड बना देता है, स्टेबल है और NO2 गैस लिबरेट करता है, जबकि दूसरे मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर ये मेटल नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्रेट को गर्म करेंगे नाइट्राइड बनाएंगे और O2 गैस देंगे, यानी O2 तो दोनों दे रहे हैं लेकिन NO2 सिर्फ लिथियम दे रहा है, आ रही है बात समझ में? तो कौन सा मेटल नाइट्रेट NO2 गैस देगा, तैयार है? वो मेटल नाइट्रेट देते हैं जिनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो, यानी कि जिनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड बहुत कम सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, जबकि दूसरे हैलाइड्स बहुत ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनकी सॉल्युबिलिटी हैलाइड की बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि फ्लोराइड और ऑक्साइड के नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में यानी क्रिस्टल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आप कभी भी LiHCO3 का पाउडर नहीं ढूंढ सकते लैब में, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट आराम से मिल जाता है, बेकिंग सोडा आराम से देखने को मिलेगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, और बात है कि ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इनको गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल कार्बोनेट, कोई डाउट नहीं है, तो ये अलग बात है, लेकिन फिर भी सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं, हाँ या ना? तो ये रही कुछ मेटल, इन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम आएंगे इसके बाद कुछ कंपाउंड्स को लेकर, तो फिलहाल यहां तक लिख लीजिए। देखो मैंने ये देखा, शुरू से बोलता हूं कि लिथियम गद्दार है, गद्दार का मतलब धोखेबाज है, धोखेबाज का मतलब अपने ग्रुप में तो एबनॉर्मल शो कर रहा है और पड़ोसी के यहां सेटिंग करने में लगा हुआ है, किसके साथ, मैग्नीशियम, डायगोनल रिलेशनशिप रख रहा है, तो इसलिए ये अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी दे रहा है लेकिन दूसरे के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों लिथियम और मैग्नीशियम की आयनिक रेडियस अप्रोक्सीमेट क्या रहती है, सेम, एक तो ये रीजन हुआ और दूसरा उनकी चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन साइज एग्जैक्ट सेम आ जाती है, समझ में आ रहा है? तो इस कारण ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ आयन एंड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम सो सेम एंड शो सेम वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी सो शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये तो हो गया। अब इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्डर एंड लाइटर, यानी हार्ड भी हैं और हल्के भी हैं अपने ग्रुप में, इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। दूसरी प्रॉपर्टी, बोथ फॉर्म नाइट्राइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद N2, यानी ये दोनों मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रोजन गैस में जलते हैं, यानी जलने का मतलब रिएक्शन करना, तो कोई भी एलिमेंट भले वो डायरेक्ट नाइट्रोजन में नहीं जलता लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और लिथियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस सॉल्युबल, जनरली हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पानी में, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर शो करते हैं लेकिन ये वीक बेस हैं और कम सॉल्युबल होते हैं, कम OH ग्रुप OH- देते हैं पानी में, इसीलिए मैंने बोला देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट,
बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोल्यूबल इन एथेनॉल, पानी में तो कम डिजोल्व हो रहे हैं उल्टा एथेनॉल में अच्छे खासे डिजोल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें कोवलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है. लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्यूशन एंड फॉर्म लिथियम क्लोराइड डॉट एच डॉट टू एच टू एंड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट एट एच टू. यानी डेलिक्यूशन का मतलब होता है वो कंपाउंड जो एयर से वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हो उसे क्या बोलते हैं डेलिक्यूशन. सोडियम क्लोराइड वाटर मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करता, तो सोडियम क्लोराइड इज नॉट ए डेलिक्यूशन. लेकिन मैंने देखा है अक्सर बरसात के सीजन में सोडियम क्लोराइड पानी का एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं है, उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होती है. इसलिए ड्यू टू दिस MgCl2 कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट शो डेलिक्यूशन. मैं फिर बोल रहा हूं प्योर NaCl इज नॉट डेलिक्यूशन बट टेबल सॉल्ट इज डेलिक्यूशन ड्यू टू इंप्योरिटी ऑफ MgCl2. MgCl2 डेलिक्यूशन है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और गीला गीला सा हो जाता है, यानी MgCl2 डॉट एट एच टू बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. समझ में आ रही है. नेक्स्ट पर क्लोरेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, दोनों के पर क्लोरेट आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो ये इनमें सिमिलरिटीज है. आप ये सारी सिमिलरिटीज लिखें जल्दी से.